So, आज जो बात बात करेंगे वो है सैलरी के बारे में। देखिए, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है, कुछ कंफ्यूजन रहता है कि सैलरी कितना होता है होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद, जब हम लोग पहला बार इंडस्ट्री में पैर रखते हैं, जब हम लोग पहला बार इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं, तो उस टाइम हम लोगों का बेसिक सैलरी कितना रहता है, स्टार्टिंग सैलरी कितना रहता है। तो मैं एक बात यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली बात बता देना चाहता हूँ कि देखिए, स्टार्टिंग सैलरी आप चाहे जो भी इंडस्ट्री में चले जाए, आपको स्टार्टिंग सैलरी बहुत कम मिलता ही है, सब इंडस्ट्री में कम पैसा ही मिलता है। सो होटल इंडस्ट्री का अगर बात हम बोलेंगे तो कितना होता है स्टार्टिंग सैलरी? स्टार्टिंग सैलरी आपका होता है 17,000 to 18,000, ओके, या हो सकता है 16,000 to 17,000, वो होटल टू होटल वैरी करता है। देखा जाए तो दूसरा जो इंडस्ट्री होता है, वो इंडस्ट्री में क्या होता है कि आपको सैलरी मिलता है उतना ही मिलता है, 12,000, 14,000, 15,000, और उसी में अटक जाता है, और उसी में आपको फूडिंग भी करना पड़ता है, आपको लॉजिंग भी उसी में रहना पड़ता है बस। बट ये जो होटल इंडस्ट्री है, ये होटल में जब आप काम करने के लिए जाते हैं तो आपको 3 टाइम खाना मिलता है, फूडिंग मिलता है, कोई कोई होटल आपको रहने के लिए भी देता है, तो आपका लॉजिंग भी हो जाता है, फूडिंग लॉजिंग इंक्लूडेड रहता है, कोई कोई होटल देता है लॉजिंग, बट कोई कोई अगर होटल लॉजिंग नहीं दे बट फूड इंक्लूडेड है, 3 टाइम्स आपको खाना मिलता है। ऊपर से क्या होता है कि आपका जो सैलरी है वो 16,000 to 18,000 या 16,000 to 17,000 रहता है, मैं ये बात मानता हूँ रहता है स्टार्टिंग सैलरी, बट वो पीएफ कट करके, पीएफ आपका अलग जमा होता है, और ऊपर से क्या होता है आपका कुछ साइड इनकम्स रहता है। साइड इनकम्स मीन्स आपको जैसा आपका टिप्स रहता है, फिर आपका सर्विस चार्ज रहता है, फिर आपका इंसेंटिव रहता है। तो देखा जाए तो अगर हम लोग टोटल सैलरी अगर पीएफ छोड़ के अगर मंथ का एंड में अगर हम लोग काउंट करेंगे तो 25,000 to 30,000 ईजीली आ जाता है, और ये सिर्फ 25,000 to 30,000 यही एवरेज नहीं रहता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आपको कमाने आना चाहिए कि आपको जितना टिप्स मिलेगा, आपको जितना इंसेंटिव मिलेगा, उतना आपका सैलरी बढ़ जाता है। कोई कोई बंदा तो, कोई कोई एम्प्लॉय तो आके जब इंडस्ट्री में ज्वाइन करता है उसी टाइम वो ऐसा गेस्ट को सर्विस देता है, ऐसा कन्विंस करता है गेस्ट को कि उसको टिप्स और इंसेंटिव में आधा से ज़्यादा पैसा हो जाता है, ऊपर से आप उसका मंथली इनकम तो रहता ही है। देखा जाए तो कोई कोई एम्प्लॉय 50,000 to 60,000 ईजिली कमा लेता है, वो अपने ऊपर, वो अपने अपना कैपेबिलिटी है, वो आप सबका अपना अपना कैपेबिलिटी है, कौन गेस्ट को कितना अच्छा सर्विस दे सकता है, कौन गेस्ट को कितना अच्छा कन्विंस कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपका जो स्टार्टिंग सैलरी रहता है वो 16,000 to 18,000 या 16,000 to 17,000 होता है, वो होटल टू होटल वैरी करता है। और एक बात जो मैं बोल रहा हूँ कि लेकिन आपका जो सर्विस चार्ज है और जो आपका टिप्स है और इंसेंटिव है, वो सब मिला के 25,000 to 30,000 आपका इजीली आ जाता है। अगर ठीक है, अगर आप लोग बोलेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो 30,000 अगर आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ आ जाता है, इजीली आ जाता है, बट अगर नहीं आया तो 22 to 25% ईजीली आता है, ईजीली आता है गाइस, ईजीली आता है। अभी मैं आप लोगों को एक एक करके बता रहा हूँ कि ये टिप्स कैसे कमाया जाता है। जब रेस्टोरेंट में कोई गेस्ट आता है, गेस्ट को आप अच्छे से सर्विस देते हैं, गेस्ट के साथ लगे रहते हैं, गेस्ट को कन्विंस करते हैं, आप अगर गेस्ट के साथ अच्छा बिहेवियर रखेंगे, अच्छा अगर सर्विस देंगे, तो आपका जो टिप्स है वो मिलेगा ही मिलेगा, गेस्ट आपको देके जाएगा। और ये 5-star होटल है, यहाँ पे कोई आपको 10 रुपया 5 रुपया टिप्स नहीं देता है, यहाँ पे मिनिमम 500 to 1,000, कोई कोई गेस्ट तो 5,000 rupees भी देके जाता है। ठीक है, तो ये जो टिप्स आप लोग कमाते हैं, तो वो टिप्स अगर फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉई, कोई एसोसिएट अगर 5,000 फॉर एग्जांपल 5,000 उसको टिप्स मिला, तो 5,000 में से 1,000 आप टिप्स बॉक्स में जमा कर दिए, रेस्टोरेंट में आप लोगों का टिप्स बॉक्स होता है, उसमें आप लोग टिप्स जमा करेंगे, और बाकी जो 4,000 है वो अपना पॉकेट में, सीधा सीधा आपका पॉकेट में, और नहीं तो वो भी कर सकते हैं, 2,000 रखिए, 3,000 अपना पॉकेट में। ठीक है, तो सबको ये करना पड़ता है, हर रेस्टोरेंट का हर एम्प्लॉय को करना पड़ता है, और वो टिप्स बॉक्स में अलग से पैसा तो जमा होता ही है, फिर आपका पॉकेट में भी आ रहा है, तो मंथ के एंड में वो जो टिप्स बॉक्स में जो टिप्स जमा हुआ था वो डिवाइड होता है। तो
देखिए कितने तरीके से आ रहा है, और ऊपर से क्या होता है कि चाहे वो रूम सर्विस हो, चाहे वो कोई स्पेशलिटी रेस्टोरेंट हो, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट कॉफ़ी शॉप हो, मीन्स 24 आवर्स रेस्टोरेंट हो, वहाँ पे मतलब हर F&B आउटलेट्स में एक टारगेट दिया जाता है, एक बजट दिया जाता है कि ये मंथ मेरा फॉर एग्जांपल 5 लाख्स टू चलिए 5 लाख्स नहीं 8 लाख्स मंथली बजट है इस महीने का, कि हम लोगों को टारगेट अचीव करना है 8 लाख्स का। तो वो आउटलेट, वो रेस्टोरेंट अगर 8 लाख से अगर 5% भी ज़्यादा करता है या 6% भी ज़्यादा करता है तो उसको इंसेंटिव मिलता है बजट क्रॉस करने से, जो टारगेट रहता है वो टारगेट अचीव से अगर ज़्यादा अचीव करेगा 5% to 6% तो उसको इंसेंटिव मिलता है, अगर और ज़्यादा करेगा तो और मिलता है। तो इंसेंटिव जाता कहाँ है, सब एम्प्लॉय और मैनेजर और एग्जीक्यूटिव्स के पास ही जाता है, ठीक है। जो बजट रहता है वो तो रहता ही है, लेकिन जो आपका एक्स्ट्रा इनकम्स होता है वो सब एम्प्लॉय और मैनेजर एग्जीक्यूटिव के पास ही जाता है। तो देखिए ना गाइस कितना तरीका है, आप लोग कितना तरीके से कमा सकते हैं पैसा, और इंसेंटिव कैसे आ सकता है। फॉर एग्जांपल जब गेस्ट आ रहा है तो आप लोग कोई वाइन का बॉटल या बियर का बॉटल आप लोग अपसेलिंग कीजिए, अपसेलिंग मैं वो बाद में बताऊंगा कैसे अपसेलिंग करना होता है नहीं होता है, अभी जान लीजिए कि ये अपसेलिंग करना होता है। अगर अपसेलिंग करेंगे मीन्स आप लोग अगर गेस्ट को कन्वेंस करेंगे वो वाइन या बियर का बॉटल खरीदने, अगर वो गेस्ट खरीद लिया तो फॉर एग्जांपल अगर वो वाइन का बॉटल का बॉटल का प्राइस है 15,000 तो उसका 5 to 10% आपका पॉकेट में। तो जितना आप लोग वाइन या बियर का बॉटल आप लोग मींस अल्कोहलिक बेवरेज जितना आप लोग सेल कर सकते हैं, जितना आप सेलिंग कर सकते हैं, जितना सेल करेंगे उतना आप लोगों का पॉकेट में, उतना आप लोग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सो देखिए ना कितना तरीका है, बहुत सारा तरीका है गाइस, और इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि एक अच्छा सा रेस्टोरेंट में जाइए, एक अच्छा सा 5-स्टार होटल में जाइए। अगर 350, 400, 500, 600 रूम का प्रॉपर्टी में आप लोग अगर जाएंगे तो वहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि गेस्ट नहीं आता है, हर टाइम गेस्ट आता है, वहाँ का जो 24 आवर्स रेस्टोरेंट्स होता है हर टाइम भरा रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट रहता है, रूम सर्विस में ज़्यादा से ज़्यादा सब रूम सोल्ड आउट होता है, फुल होता है, तो गेस्ट रूम से भी खाना ऑर्डर करता है, रूम सर्विस में भी जो बजट है उससे कहीं गुना ज़्यादा बजट क्रॉस कर जाता है मंथ के एंड में। तो देखिए ना कितना तरीका है। सो मैं क्या कहा, जो आपका बेसिक सैलरी है वो तो है, PF आपका जम रहा है वो छोड़ दीजिए, प्लस आपका इंसेंटिव मिल रहा है, चाहे आप रूम सर्विस में काम करें चाहे वो आप रेस्टोरेंट में काम करें, आपको इंसेंटिव आता है बजट क्रॉस करने वाला इंसेंटिव। फिर आप लोग अगर कुछ अपसेलिंग करते हैं अल्कोहलिक बेवरेज, तो जो सेल करते हैं अपसेल करते हैं गेस्ट को खरीदने में मजबूर करते हैं, वो गेस्ट अगर खरीद लिया आप लोग सेल कर दिए तो उसका 5 to 10% आपको मिल जाता है, वो भी हो गया। फिर आपको टिप्स मिलता है, टिप्स का कुछ पैसा टिप्स बॉक्स में जमा होता है, कुछ आपका पॉकेट में, और मंथ के एंड में वो टिप्स बॉक्स से जो टिप्स रहता है वो हर एम्प्लॉय में डिवाइड हो जाता है, मैनेजर एम्प्लॉय और एग्जीक्यूटिव में। तो देखिए कितना तरीका है पैसा कमाने का, लेकिन आपको पैसा गाइस कमाने आना चाहिए, और जैसे मैं बोल रहा हूँ जितना आप लोग अपसेलिंग करेंगे, जितना आप लोग बजट क्रॉस करेंगे उतना आप लोगों का रेवेन्यू जनरेट होगा, जितना आप गेस्ट को अच्छे सर्विस देंगे, जितना गेस्ट को कन्वेंस करेंगे, गेस्ट के साथ लगे रहेंगे उतना अच्छा आपको फीडबैक आएगा, फीडबैक आपके नाम पे फीडबैक आएगा, जो आपको ट्रिप एडवाइज़र में छपेगा नाम, वो सब मैं बाद में कवर करूँगा वो सब वीडियो, क्या ट्रिप एडवाइज़र क्या है क्या नहीं है, बाकी फीडबैक कैसे लेना होता है, अपसेलिंग कैसा करना होता है, बाकी अभी बेसिक सैलरी का बात बना रहा हूँ मैं, इसलिए ये वीडियो मैं आप लोगों को जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये ऐसे 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 इतना इतना जगह है तो यहाँ से आप लोग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और हाँ, ये जो फिर मैं सर्विस चार्ज का बात बोला, तो ये सर्विस चार्ज कोई कोई होटल में रहता है और कोई कोई होटल में नहीं रहता है सर्विस चार्ज, तो सर्विस चार्ज का बात छोड़िए, बाकी जो जो मैं तरीका बताया उससे आप लोग कहीं गुना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो अच्छे से काम कीजिए, मेहनत से काम कीजिए, एक अच्छे से बड़ा सा 5-स्टार होटल में जाइए और पैसा कमाइए, स्टार्टिंग से आप लोगों का अच्छा चलेगा और क्या। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दिस इज़ दीपायन, ओवर एंड आउट।